हाय एवरीवन, वेलकम टू सौरभ एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें कि सहायक आचार्य के लिए जो वैकेंसी आने वाली है। तो आपको पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि इसके लिए नियमावली जारी कर की जा चुकी है, साथ ही झारखंड कैबिनेट ने भी इसकी मंजूरी दे दी है और करीब 1-5 और 6-8 लेवल मिलाकर जिसे सहायक आचार्य के नाम से जाना जाएगा। और ये वही छात्र इस परीक्षा को दे सकते हैं, इस परीक्षा में बैठ सकते हैं जो जेटेड पास है। उसके लिए वैकेंसी कब तक जारी होने वाली है, इस पर हम लोग महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जितने भी छात्र हमारे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी छात्र सहायक आचार्य की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं और इसमें आपको संपूर्ण जो है आपका लाइव क्लासेस विद रिकॉर्डिंग, साथ ही क्लास नोट्स, टेस्ट, सारे चीज उपलब्ध कराए जाते हैं और अभी इसमें ज्वाइन करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही कम फीस पर सारे कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1-5 के लिए, 6-8 के लिए जो डिफरेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि 1-5 जो जेटेड पास है उनके लिए जो 3 पेपर होता है सभी के लिए जो है अनिवार्य होता है, और जो 6-8 होता है आपके स्ट्रीम पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लेना है और जिसमें आपने जेटेड पास किया है उसके आधार पर। ये सारे क्लासेस हमारे स्वरूप लर्निंग ऐप पर आपको उपलब्ध होते हैं, वहीं पर आपको डाउनलोड करके सब्सक्रिप्शन लेना है, या फिर जो लिंक दिख रहा है आपका जो उस पर भी आप क्लिक करके जो सब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टेक्ट करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। अभी आप ज्वाइन करते हैं तो छठ स्पेशल और दिवाली स्पेशल ऑफर चल रहा है और आपको हर एक कोर्स में 1100 रुपया का आपको डिस्काउंट मिलता है। और लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये लिमिटेड ऑफर है। उसी तरह आप पीजीटी और फ्रेश जेटेड के लिए, जो छात्र अभी जेटेड पास नहीं किए हैं और अगले जेटेड के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए बैचेस प्रारंभ हो चुका है, आप देख सकते हैं बहुत ही कम फीस पर। उसी तरह पीजीटी और टीजीटी के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं जो सहायक आचार्य की जो वैकेंसी आने वाली उस पर हम लोग संपूर्ण चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें इस पोस्ट के बारे में, तो जैसा कि हमने बताया कि दो स्तर पर ये सहायक आचार्य का जो परीक्षा लिया जाएगा, 1-5 तो कहलाएंगे इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य, जिसमें करीब 20,825 पोस्ट है। उसी तरह स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य जो 6-8 लेवल के लिए होंगे, जिसमें करीब 29,175 पोस्ट होंगे। और ध्यान रखिएगा, ये जो है दो चरण में इसकी जो वैकेंसी निकाली जाएगी। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि हमने पहले के वीडियो में आपको बताया था, इसके लिए जल्दी वैकेंसी आने वाली है, लेकिन अभी तक सरकार ने इसकी नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं किया है, जबकि सरकार से सारी मंजूरी मिल चुकी है। और उसका कारण है यहाँ पर, क्योंकि आपने क्या कहा, चूंकि ये जिले वार वैकेंसी है, हर जिले से रोस्टर क्रियल होता है और वही फिर जो कार्मिक विभाग के पास जाता है और वहां से फिर आपका जेएसएससी के पास जाता है और जेएसएससी फिर नोटिफिकेशन, चूंकि ये परीक्षा जैक नहीं लेगा बल्कि जेएसएससी लेगा। अब देखिएगा, तो अभी जो आकलन परीक्षा है, जो पारा टीचर है उनकी परीक्षा जो है जैक ले रहा है। इसके अलावा जेटेड जो फ्रेश जेटेड होता है, जो जेटेड पास अभ्यर्थी नहीं है उनके लिए परीक्षा जो है जैक लेता है, लेकिन सहायक आचार्य जो जेटेड पास अभ्यर्थी इसमें बैठेंगे उनकी परीक्षा जो है जेएसएससी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा लिया जाएगा, उसी के द्वारा ये वैकेंसी जो है जारी किया जाएगा। नियमावली में हम लोग ये भी देखेंगे इसका सिलेबस क्या है, 1-5 के लिए और 6-8 के लिए, और प्रश्न का स्टैंडर्ड कैसा रहेगा, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आगे देखेंगे। पहले यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जो अपडेट है, जैसा कि हमने बताया कि इसकी वैकेंसी जो है जल्द ही आने वाली थी, उम्मीद थी कि दुर्गा पूजा के पहले ही आ जाएगा, लेकिन वही कारण है कि हर एक जिला का रोस्टर क्लियर नहीं होने की वजह से अभी तक ये वैकेंसी जो है जारी नहीं की गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि खुद इस शिक्षा मंत्री है जगन्नाथ महतो, उन्होंने भी ये क्लियर कहा है कि इसके लिए सारी चीजें ब्यौरा मांगा गया है और सभी जिलों को रोस्टर क्लियरेंस के लिए भेजा गया है, रिपोर्ट जल्दी आ जाएगा। 15 अक्टूबर तक इसकी अंतिम तिथि थी, फिर से जिलों को रिमाइंडर भेजा गया है, मतलब ये 15 अक्टूबर तक सारा रोस्टर क्लियर होने वाला था लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। तो मान के चलिए कि अब छठ के बाद, मतलब कि नवंबर में मैक्सिमम चांस है कि इसकी वैकेंसी आ जाएगी। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपके पास बहुत ही कम समय है, अगर नवंबर में वैकेंसी आ जाती है तो इसका एग्जाम जो जल्द ही लिया जाएगा, इसलिए आपकी तैयारी जो है बहुत ज्यादा मायने रखती है और कंटिन्यूटी बनाकर आप रखिएगा, जिससे कि आप एग्जाम में पास हो सके। अब यहाँ पर बात करते हैं, जैसा कि हमने बताया कि दुर्गा पूजा के पहले ही आने वाला था, लेकिन अब नवंबर से पहले अधियाचना जो है नहीं भी संभव, मुश्किल है, क्योंकि अभी तक ये छठ आ गया, छठ के बाद ही अब इसमें काम शुरू होगा। तो लेकिन ध्यान रखिएगा,
नवंबर की लास्ट लास्ट तक जो है इसकी वैकेंसी या अधियाचना जो है नोटिफिकेशन जो है जेएससी के द्वारा जारी कर दिया जाएगा, ये पूरा क्लियर हो गया। बहुत सारे छात्र इसी चीज को लेकर पूछ रहे थे, बहुत सारे छात्र टीजीटी के लिए पूछ रहे हैं या फिर नेट जेटेड के लिए भी, तो उसके लिए भी जैसा ही इन्फॉर्मेशन आता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको न्यूज दिया जाता है ऑथेंटिक दिया जाता है ताकि आप उसके अनुसार अपनी प्रिपरेशन जारी रख सके। और ऐसे भी सारी परीक्षाएं लगातार होने वाली है, तो आई होप आप सबकी परीक्षा की तो तैयारी है वो बेहतर चल रही होगी, लेकिन फिर भी अगर एक डेट पता हो जाता है तो हाँ चलिए कि मेहनत करने का जज्बा और बढ़ जाता है और हम लोग सही से तैयारी कर पाते हैं। इसलिए ऑथेंटिक जो चीजें होती है वो हमारे लिए बेहतर काम करती है हमारी तैयारी में, हमारी प्रिपरेशन में। अगर बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि इसके लिए सारे नियमावली वगैरह बन चुकी है, तो हम नियमावली पर तो नहीं जाएंगे, पहले वाले जो नियमावली है वो सारा वीडियो उसका बनाया हुआ है, आप उसको जरूर देखिएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में या फिर अलग से प्लेलिस्ट सहायक आचार्य का बना हुआ है उसे जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जैसा कि हमने बताया कि कुल 50,000 वैकेंसी है, तो 50,000 क्या एक ही बार में सारी वैकेंसी आ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पहले चरण में जो है करीब 25,996 जो शिक्षकों की नियुक्ति जो है 1-5 और 6-8 के लिए की जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1-5 के लिए हर एक जिले का यहाँ पर बता दिया गया है कि हर एक जिले में कितना कितना नियुक्ति की जाएगी। उसी तरह 6-8 के लिए सहायक आचार्य के लिए भी हर एक जिले में बता दिया गया है, गिरिडीह में देख सकते हैं 1361 है, उसी तरह पलामू में 1608 है, 6-8 की बात कर रहे हैं, मतलब की अगर बात करें 6-8 में सबसे ज्यादा नियुक्ति जो होने वाली है पलामू में होने वाली है। 1-5 में बात करें तो 1-5 में अगर यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा नियुक्ति जो है रांची में भी एक है, रांची के अलावा पलामू में भी 795 है, 795 से ज्यादा तो और किसी में नहीं है, मतलब कि 1-5 के मामले में भी पलामू जो है सबसे ज्यादा वैकेंसी है सहायक आचार्य के लिए, और 6-8 में भी देखिएगा तो सहायक आचार्य के लिए सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो आपका पलामू में ही है 1608। इस तरह से देखिएगा तो यहाँ पर 11,000 जो है 1-5 के लिए और 14,996 जो है 6-8 के लिए जो वैकेंसी जारी की जाएगी। हाँ अब देखिएगा एक चीज यहाँ पर समस्या हो सकती है, जैसे कि नवंबर में जो है नगर जो निगम का चुनाव होने वाला है, नगर निकाय का चुनाव होगा, तो क्या उससे असर पड़ेगा? ऐसे देखिएगा सरकार चाहे तो निकाल सकती है, जैसे को अधियाचना निकाल रहा है, क्योंकि देखिएगा सरकार अपने तरफ से सारे काम कर चुकी है, हर एक जिले के रोस्टर क्लियर होगा जो नवंबर में हो सकता है कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद चला जाएगा जेएससी के पास, तो जेएससी निकाल सकता है बिल्कुल, लेकिन ये चीज भी ध्यान रखना है, लेकिन ज्यादा उम्मीद है कि नवंबर दिसंबर में आपका बिल्कुल ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो सबसे रिक्वेस्ट यही है कि आप तैयारी बेहतर रखिएगा, कंटिन्यूटी बना के रखिएगा, क्योंकि इसमें देखिएगा आगे हम सिलेबस बताएंगे तो बहुत सारे इसमें पेपर कर दिया गया है, और बोल सकते हैं कि पीजीटी और जो नेट जीआरएफ होता है उससे भी हमको लगता है कि टफ कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से सिलेबस बनाया गया है, लेकिन इसमें कॉम्पिटिशन कम रहेगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो जेटेड पास अभ्यर्थी है वही इसको फिल करेंगे, कॉम्पिटिशन अगर कम रहेगा तो अगर आप वहां पर एवरेज स्कोर भी करते हैं तो आपके पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, सिलेक्शन मतलब कि निश्चित है कि अगर आप इसमें पास मतलब बैठते हैं एग्जाम में और थोड़ा बहुत भी अच्छे से तैयारी कर लेते हैं और 50-60% के लगभग स्कोर कर लेते हैं तो बिल्कुल 100% आपका सिलेक्शन निश्चित है। इसीलिए आपका तैयारी अभी से करते रहिए, दिक्कत ना हो, वही चीज यहाँ पर जिलेवार सब बताया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं एक बार सिलेबस को, सिलेबस में अगर हम बात करें तो 1-5 के लिए, 1-5 में जैसा कि हमने बताया कि जो जेटेड पास होंगे, जेटेड जो छात्र पास होंगे वो 1-5 की परीक्षा के लिए बैठेंगे सहायक आचार्य के लिए, इसमें 3 पेपर होंगे, इसमें जो पूछा जाएगा आपसे 3 पेपर पूछा जाएगा। पेपर 1 में जो होगा आपका वो आपका पूछा जाएगा जो रीजनल लैंग्वेज या फिर जो ट्राइबल लैंग्वेज है, जिलेवार आपको सूची वहां पर दी गई है कि जो भी आपको उसमें से स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा है, जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा, उसमें से आपको एक चयन करना है जो आपके जिले के अनुसार है। हमने पहले की वीडियो में भी आपको वो पोस्ट दे दिया है कौन सा जिला में कौन सा क्षेत्रीय भाषा है और कौन सा जनजातीय भाषा है। उसी तरह 6-8 में भी जो है 4 पेपर होते हैं, जिसमें पहला पेपर भी उसमें रीजनल लैंग्वेज ही होता है या फिर जो आपका ट्राइबल लैंग्वेज होता है। 1-5 में पहला जैसा कि हमने बताया, इसमें 1-5 में आपका पहला जो पेपर हो गया आपका रीजनल या ट्राइबल लैंग्वेज हो गया, दूसरा जो होता है आपका मातृभाषा होता है, मातृभाषा वही आपका या तो हिंदी या इंग्लिश रहेगा या तो उर्दू आपका या फिर इंग्लिश रहेगा, और पेपर 3 में आ जाता है आपका जो मेन जो सब्जेक्ट है आपका। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पेपर 3 में आपका सामान्य ज्ञान हो गया, मैथ हो गया,
जो आपका साइंस के कुछ टॉपिक्स हो गए उन सभी को मिलाकर प्रश्न पूछे जाते हैं। और अब सवाल उठता है कि इन तीनों पेपर के आधार पर मेरिट बनेगा तो नहीं। पेपर वन जो स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा जो ट्राइबल लैंग्वेज था उसका, और पेपर थ्री के मार्क्स को जोड़कर आपका मेरिट निकाला जाएगा। मतलब पेपर टू के मार्क्स 1-5 के लिए नहीं जोड़ा जाएगा, और जो उसमें अच्छा स्कोर करेगा उनका रिजल्ट होगा, वो पास करेंगे। अब 6-8 में आ जाते हैं, तो 6-8 में अगर हम बात करें तो कुल 4 विषय होगा, तो चार पेपर का एग्जाम एक दिन में। हाँ, अभी तक क्लियर नहीं किया गया कि एक ही दिन में, लेकिन ज्यादा संभावना है कि एक ही दिन में लिया जाएगा। अगर हम बात करें तो इसमें पेपर वन वही आपका स्थानीय या फिर जनजातीय भाषा आपको एक लेना होगा। दूसरा इसमें जो आपको वहां पर लेना होगा वो मातृभाषा रहता है, मातृभाषा इसमें भी रहता है जो क्वालिफाइंग होता है, इसके भी मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं। पेपर थ्री इसमें बढ़ा दिया गया है, पेपर थ्री एक्चुअली टॉपिक वही है, वही सामान्य ज्ञान रहेगा और करंट अफेयर्स। इसमें सामान्य ज्ञान में जो पूछा जाएगा आपका झारखंड सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछा जाएगा, और करंट अफेयर्स जो झारखंड से भी होगा, नेशनल भी होगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर के भी करंट अफेयर्स जो यहाँ पर पूछा जाएगा। अगर हम बात करें कि जो पेपर फोर रहेगा, पेपर फोर, तो पेपर फोर आपका जैसे कि 6-8 में आपको पता है कि या तो आप मैथ या साइंस के टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एसएसटी या कॉमर्स के टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और एक भाषा शिक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इनमें से आपको जैसे कि मैथ और साइंस के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें से आपको 3 विषय लेना होगा, या तो मैथ या फिर और 2 अन्य विषय, साइंस के 2 विषय। उसी तरह आपका एसएसटी और कॉमर्स के छात्र अगर अप्लाई करते हैं उसमें शिक्षक के लिए, उसमें 7 विषय में से 3 विषय लेना होगा। और उसी तरह जो आपका भाषा शिक्षक है तो उसमें 75 का इंग्लिश रहता है, और बाकी आपका जो भी अपना ग्रेजुएशन में भाषा है उससे 75 प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये जो पैटर्न है वो आपका पूछा जाता है। अब इसमें मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा 6-8 का, तो 6-8 का जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपका पेपर टू के मार्क्स को छोड़कर, मतलब कि पेपर वन, पेपर थ्री और पेपर फोर, इन तीनों को जोड़कर जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। इसका पीडीएफ एक बार फिर अपलोड कर देते हैं, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर देखिएगा तो लगता है तो बहुत ज्यादा बर्डन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इसकी क्रमबद्ध तरीके से तैयारी करते हैं, समय के अनुसार इसको टाइम देते हैं, तो बिल्कुल आप इसमें अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका 1-5। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका डिटेल में अभी तक सिलेबस नहीं जारी किया गया है। हमारे द्वारा क्लासेस जो हमारे टीचर्स के द्वारा, हमारे फैकल्टी के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं, किस आधार पर, इसमें देखिएगा यहाँ पर लेवल लिखा हुआ है। कठिनाई का स्तर जो होगा इंटर स्तर, ये होगा 1-5 के लिए, और 6-8 के लिए होगा यहाँ पर स्नातक स्तर, ये जो कठिनाई का स्तर होगा प्रश्नों का पूछा जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं पेपर वन में वही आपका जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा से 100 प्रश्न। एक अब ये भाषा कौन सा आपको लेना है, तो आप जिस जिले से अप्लाई करेंगे उस जिले में जो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा उसमें से आप कोई ले सकते हैं। पेपर टू वही आपका मातृभाषा लेना है, जो कि क्वालिफाइंग सिर्फ होगा 70 प्रश्न, 70 अंक का, 2 घंटे समय मिलेंगे। और पेपर जो थ्री है यहाँ पर, ये सामान्य ज्ञान और समसामयिकी 100 प्रश्न, 100 अंक का, 2 घंटे। और फिर जो वही विषय आपका 6-8 में साइंस या मैथ के, एसएसटी या फिर कॉमर्स के, और या भाषा शिक्षक 150 प्रश्न यहाँ पर, मतलब कि आपका 350 अंक पर जो है मेरिट यहाँ पर बनाया जाएगा। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे महत्वपूर्ण है। तो यानी इसको कैसे करनी है, तो बहुत ही बेसिक लेवल से, आपको बहुत ज्यादा एडवांस लेवल आपको तैयारी यहाँ पर नहीं करना है, बहुत ही बेसिक चीजें आपसे प्रश्न पूछी जाएगी। हाँ, यहाँ पर बोला भले ही गया है कि स्नातक स्तरीय जो कठिनाई का स्तर रहेगा, लेकिन जो प्रश्न का पैटर्न जो पहले, अभी तक तो सहायक आचार्य की परीक्षा नहीं हुई है, लेकिन जेटेट के अगर देखिएगा तो पैटर्न जो है उसी के आधार पर रहेगा, प्रश्नों का पैटर्न जो रहेगा उसी के आधार पर रहेगा। कुछ प्रश्न डिफिकल्टीज रहेंगे ही, लेकिन अगर हम अच्छे से तैयारी करते हैं तो बिल्कुल वो आसानी से सोल्व हो जाएंगे और रिजल्ट जो है 100% बिल्कुल होगा। ये पूरी संपूर्ण जानकारी थी जो हमने आज के वीडियो में यहाँ पर, इस तरह से आज का यहाँ पर जो वीडियोज है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपका कंप्लीट होता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं संपूर्ण, तो जैसा कि हमने बताया कि लाइव क्लासेस में जुड़िए, क्योंकि इस एज तक हर कोई ना कोई कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है, इसके लिए टाइम निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और वही चीज अगर
बना बनाया सब चीज एक जगह अरेंज किया हुआ, क्लासेस उपलब्ध कराया जिसमें कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, रिकॉर्डिंग देखना है, तो आपके लिए तैयारी करने में बहुत ही ज्यादा सहायक सिद्ध होता है। इसीलिए ये क्लासेस में जुड़िए, लाइव क्लास रहेगा, लाइव क्लास बोलिएगा सर नहीं देख पाएंगे तो रिकॉर्डिंग क्लास देखिए जो एग्जाम तक उपलब्ध रहेगा, साथ ही क्लास नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, सारे उपलब्ध होंगे। आप पेपर फीस भी देख सकते हैं 1-5 के लिए मात्र, अभी दिवाली और छठ स्पेशल ऑफर चल रहा है तो करीब 3,900। SST के लिए जुड़ते हैं 6-8 के लिए तो 4,900, इसी तरह कॉमर्स के लिए भी 4,900 और मैथ और साइंस के लिए भी आपका 5,400 और भाषा शिक्षक के लिए भी आपका 5,400। ये सारी क्लासेस हमारी जो स्वरूप लर्निंग ऐप है उसी पर आपको जो है उपलब्ध कराया जाता है। जो भी छात्र अभी तक इस ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर डाउनलोड करके आप रजिस्ट्रेशन कर ले। इसके अलावा जो भी आप या फिर आपके फ्रेंड्स वगैरह PGT TGT JTET नए JTET के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए बैचेस प्रारंभ हो चुके हैं, जल्द से जल्द इसमें जुड़ जाइए जिससे कि आपकी तैयारी संपूर्ण हो जाएगी एग्जाम से पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और किसी भी अन्य इन्फॉर्मेशन और एडमिशन के लिए इस नंबर पर कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू एवरीवन।